प्रभसे नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौसलपुर राजा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आप प्रवेश करेंगे, भव्य राम मंदिर के दर्शन करेंगे। इसको लेकर देश नहीं बल्कि विदेशों में जितने भी भगवान राम के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, वो गदगद हैं। भगवान राम की नगरी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से योगी सरकार के मास्टर प्लान के तहत बनाया गया है। 2024 से पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। इस भव्यता, इस सुंदरता को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक और इसके साथ साथ श्रद्धालु भी आएंगे। लेकिन योगी सरकार यहाँ सात्विकता को लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है। योगी गए अयोध्या नगरी में और अयोध्या नगरी के बाद एक ऐसा फैसला आ गया, एक ऐसी खबर आ गई जो यहाँ की सात्विकता को कायम रखने में मदद करेगी। योगी सरकार ने अयोध्या में कर दिया है नॉनवेज को बैन। मांसाहार, शराब, मदिरा और जितने भी नॉनवेज रेस्टोरेंट है अयोध्या में शायद अब ना चल पाए, उन्हें अपना दूसरा विकल्प तलाशना करना पड़ जाए। या कोई भी अयोध्या में आ रहा है तो अगर आपने शराब पी ली, आपने मांस खा ली, तो योगी की नगरी में, योगी के उत्तर प्रदेश में आपकी बैंड बजने तय है। मांस और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने की योजना पर सरकार जोर शोर से काम कर रही है। अयोध्या यात्रा के दौरान इसके संकेत मिल चुके हैं। चूंकि ये धार्मिक नगरी है इसलिए जन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, मांस शराब का सेवन प्रतिबंधित होना चाहिए। धर्म नगरी अयोध्या शहरी विकास मॉडल के तहत होगी। 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध यहां पर होगा। सीएम योगी ने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अयोध्या आने वाले समय में प्रत्येक श्रद्धालु को शांति, संतोष और आनंद के साथ वापसी करवाएगी। यहाँ बहुत ही सुखद सफर रहेगा। देश दुनिया के लोग दिव्य भव्य नव्य अयोध्या को देखने के लिए उत्सुक है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और इसी कड़ी में जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए यहाँ की सात्विकता को बनाए रखने में अयोध्या में मांस और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगना अब तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके संकेत दे दिए। वैसे भी आप अगर किसी भी धार्मिक जगह पर जाते तो आपकी वेशभूषा जो होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा साधारण, शीतल और इसके साथ साथ मन, तन और विचार से आपको सात्विक होना बेहद ज्यादा जरूरी है। ऐसा हमारे रिचुअल्स और सनातन परंपरा और बड़े बुजुर्ग कहते हैं। इसी कड़ी में अगर भगवान राम का यहाँ पर भव्य मंदिर है और कण कण में भगवान राम का वास है और यहाँ पर इसको एक पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, तो योगी सरकार ने क्लीन एंड क्लियर संकेत दे दिए हैं कि अयोध्या आना है तो नॉनवेज और ड्रिंक्स से, यानी कि मांसाहार और मदिरा पान से बच के रहना होगा, वरना डॉट डॉट डॉट। ये योगी का यूपी है, समझते हैं आप।